एमएसएमई जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष के झा ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दीपावली के पूर्व वैट संबंधी एमएसएमई की मांग पर प्रदेश सरकार द्वारा सकारात्मक निर्णय ले लिया जाएगा। के झा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य किया है। उद्योगपतियों के हितों के लिए सरकार द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। आइए देखते हैं ग्रैंड एशियन न्यूज की के झा से हुई बातचीत के खास अंश। आज हमारे साथ मौजूद है एमएसएमई जिला उद्योग संघ दुर्ग के अध्यक्ष के झा जी। एमएसएमई से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर के झा जी द्वारा और इनके सहयोगियों पदाधिकारियों द्वारा लगातार राज्य शासन के माध्यम से प्रयास किया जाता रहा है। बावजूद इसके कई मांगे अब तक लंबित हैं। इन मांगों को लेकर के अभी हाल ही में झा जी द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा गया है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि एमएसएमई की जो वर्तमान में समस्याएं हैं उसके कब तक पूर्ण होने की इन्हें उम्मीद है। हाँ सर, ग्रैंड एशिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि चूँकि अभी आपके द्वारा कुछ मांगों को लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को अवगत कराया गया था पत्र के माध्यम से, साथ ही मुलाकात के दौरान भी इस तरह की चर्चा हुई थी। चूँकि अभी सरकार का डेढ़ वर्ष का कार्यकाल बचा हुआ है, आपको क्या लगता है इन डेढ़ वर्षों के दौरान आपकी मांगों को लेकर के सरकार क्या रूप अपनाती है, आप लोगों को उसका कितना लाभ मिल सकता है? अभी तो बहुत सारी मांग तो पूरी हुई है, लेकिन मुख्य मांग जो हमारी है, मुख्य मांग यह है कि जो जीएसटी के पहले सेल टैक्स थोपा गया है या वैट जो बचा हुआ है, उसमें बहुत सारे प्रक्रियाएं ऐसी है या तो बंद हो चुकी है या किसी मतलब जो उद्योगपति है या व्यापारी है वो कोरोना काल में उनका स्वर्गवास हो गया है या अकाउंटेंट नहीं रहा। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से और साथ में जो वाणिज्य कर मंत्री हैं उनसे भी अपील किया था मैं पहले कि इसको कुछ ऐसा सार्वगर्भित एक निर्णय लिया जाए जिससे कि शासन को भी धन उपलब्ध हो और व्यापारी वर्ग या उद्योगपति वर्ग को भी राहत मिले, क्योंकि ये इतना पुराना लंबित केस है। तो ये लंबित केस से व्यापारी उलझा हुआ है। आज आप देख रहे हैं कि सामने में दिवाली आ गया है, दिवाली में बहुत सारे खाते सील हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई बीमार पड़ता है, एक बीमारी होता है, उसी समय सारे बीमार वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनको दबाने लगता है। चूँकि अभी कोरोना काल से सब ऊपर आया है और व्यापार भी अभी जाकर के संभल चुका है, कुछ ना कुछ सब अपना कोई ना कोई तरह से व्यापार उद्योग को बढ़ाया है। ऐसे समय मुख्यमंत्री इसमें अपील किया था कि दिवाली का एक तोहफा दिया जाए हमको कि जो जीएसटी के पूर्व हमारा बाकी है वैट, उस वैट का टोकन अमाउंट लेकर के उसे खत्म किया जाए, उसके लिए एक समय दिया जाए, एक गिफ्ट के रूप में मैं मांगा हुआ हूँ और हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इसको गंभीरता से विचार करेंगे और मुख्यमंत्री जी का जिस तरह का उद्योग और व्यापार के प्रति लिबरल एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड के तहत जरूर इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, हमें दिवाली के समय कुछ राहत मिलेगी। दूसरी बात हमारी एक लंबित है कि सब जगह प्रॉपर्टी टैक्स की बात उठ रही है। इसमें मध्य प्रदेश शासन ने कुछ किया है ऐसा कि जहां पर प्रॉपर्टी टैक्स खत्म कर दिया गया है, उसको यदि मैं बोलना चाहूंगा तो मध्य प्रदेश शासन ने एक आदेश जारी किया था कि जो निगम के तहत या निकाय के तरह जो अभी लिया जा रहा है प्रॉपर्टी टैक्स, ये अनुचित है, उसमें दंडिका धारा वगैरह बहुत सारे चीज है। तो चूंकि हमारे छत्तीसगढ़ शासन में बहुत सारे विद्वान आईएएस हैं, सेक्रेटरी हैं, और जिन्होंने हर हमेशा मुख्यमंत्री जी को सारे पॉइंट देते रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये दो चीज जो है, प्रॉपर्टी टैक्स हम कोई
माने नहीं रखता है औद्योगिक क्षेत्र से लेने का, तो इसे समाप्त किया जाए। जहां तक आपने कहा कि 1.5 साल का कार्यकाल है, मैं नहीं मानता कि 1.5 साल ही कार्यकाल है। हमारा मानना है जिस तरह से व्यापारी वर्ग को इन्होंने मदद किया है, जिस तरह से व्यापारी वर्ग टूट चुके थे, बर्बाद हो चुके थे, आज दूसरे प्रदेश में देखिए कि कोरोना के समय में क्या हालत हुई थी, लेकिन इन्होंने हर समय व्यापारी को ये 3.5 साल के कार्यकाल में जो मदद की है, जो उनके हाथ में था, बहुत ही ज्यादा किए। बोलेंगे क्या ज्यादा किए, क्या आपको किसान के तरह पैसा माफ कर दिए क्या? नहीं। या बिजली बिल माफ कर दिए क्या? नहीं। हम माफी के लिए नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जो हमें जरूरत है हमको आप माफ करेंगे, फिर पैसा आपको कौन देगा, क्यों माफ करेंगे? हम तो उसके डेड अगेंस्ट है। हमको कमाने का आप उपाय बताइए, उपाय मतलब जहां पर हमें और रोड़ा आ रहा है उसको हटाइए। उन्होंने सबसे पहले हमारा भूमि जो औद्योगिक क्षेत्र का लीज था उसको समाप्त किया, फ्री होल्ड जमीन की घोषणा की, जो हम आज 20-30 साल से लड़ रहे थे। उसी तरह से यहाँ पर जेएम आ गया था, उन्होंने CSIDC के थ्रू फिर से परचेस शुरू किया। ढेर सारे ऐसे काम किए हैं जो यहाँ के उद्योग और व्यापारी के लिए हित में है, किसानों के हित में है, मजदूर वर्ग के हित में है। धर्म के नाम पर लेंगे तो बहुत सारे ऐसे काम कर दिए, किसी को मालूम नहीं था कि राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ है। आज इन्होंने चाहे पक्ष विपक्ष जो भी था, प्रदेश का और देश का, सबको दिखा करके स्वागत करके उनको वहां पर ले गया, और उन्होंने देखा कि राम के ननिहाल आज अयोध्या से भी आगे की ओर बढ़ चुका है, क्योंकि ननिहाल ननिहाल होता है। तो इसलिए 1.5 साल मैं नहीं मान रहा हूं, ये फिर आ रहे हैं, भारी बहुमत से आ रहे हैं। मैं ऐसा किसी पार्टी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हर एक वर्ग का जो मदद करता है उसको सब लाना चाहते हैं, जो सीमित में रहते हैं उनको कौन लाना पसंद करेगा? नहीं तो भारी बहुमत में थे ही, क्यों नहीं आए? वो लोग आए क्यों नहीं? कुछ सीट पर क्यों सिमट गए? तो मैं ज्यादा इस पर नहीं बोलना चाहता, क्योंकि पॉलिटिकल है, हम लोग व्यापारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिर आ रहे हैं, ये हमारा मानना है। क्योंकि आपका कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आ रहे हैं, निश्चित रूप से प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार द्वारा उद्योगपतियों, किसानों, बेरोजगारों, युवाओं के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि जो वैट की जो समस्या अभी लंबित है, इसके आप कब तक पूर्ण होने की उम्मीद रखते हैं? क्या है कि पूर्ण होने की उम्मीद हम दिवाली में ही रखते हैं, चूंकि दिवाली बहुत शॉर्ट टर्म हो गया, अभी 5 दिन 10 दिन 15 दिन है, तो मेरी बात वहां पर पहुंच चुकी है ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मुख्यमंत्री को जो भी बात लिखा जाता है या बोला जाता है उनके माध्यम बहुत तेज है, और वो जानते हैं कि सोशल मीडिया पर यदि कोई चीज हो रहा है या मीडिया के थ्रू कहीं बात हो रही है तो उसको बड़े गंभीरता से लेते हैं, और जो उचित होता है उस पर निर्णय लेते हैं। तो अब चूंकि इसमें कानूनी बात हो या किसी तरह की प्रक्रिया लंबी हो, तो बहुत जल्दी हम तो मुख्यमंत्री हैं नहीं, हम साइन करेंगे, लेकिन हमें आशा है उनके स्वभाव देख करके बहुत जल्दी हमारी मांग पूरी होगी, जिसका मैं तिथि नहीं बता सकता, लेकिन ये निश्चित बता सकता हूँ कि हमारी मांग पूरी होगी। जी, अंतिम सवाल आपसे ये कि क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा हैवी इंडस्ट्रियल एरिया, लाइट इंडस्ट्रियल एरिया में निरीक्षण किया गया था, सुरक्षा व्यवस्था को मुख्य मुद्दा बनाया गया था, अभी कैसी है? यहाँ पे चोरी जैसे जैसे पूर्व में घटनाएं होती रहती थी, बंद फैक्ट्रियों में अज्ञात लोगों द्वारा प्रवेश कर चोरी कर ली जाती थी, अभी कैसी स्थिति है चोरी की घटनाओं को लेकर? लेकिन चोरी घटनाएं जो है छोटी मोटी, ये तो होती ही रहेगी, होता ही रहता है। इसमें जहां पर पुलिस प्रशासन की सख्त जरूरत है, वहीं पर हमारा मानना है कि उद्योगपति को भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए,
और आपको बताऊं कि यहाँ पर जो अभी क्षेत्र के विधायक देवेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने भी पुलिस प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, बनाए रहते हैं, और बनाने के बावजूद भी अभी एसपी साहब ने यहाँ पर हमारे औद्योगिक संगठनों द्वारा, यहाँ पर कुछ संगठन द्वारा उनको लाया गया था, उन्होंने दौरा किया, बहुत अच्छा दौरा करवाए, उस संगठन को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने एसपी साहब को यहाँ पर लाया, और एसपी साहब के आने से थोड़ा और विधि व्यवस्था में मतलब कुछ ना कुछ तो कड़ाई हुई है, और आज के डेट में हमें नहीं लगता है कि कोई इस तरह की शिकायत आ रही है। यदि शिकायत आती है तो उसके लिए खुले मंच है, उन्होंने एक ग्रुप भी जारी किए हुए हैं, उस ग्रुप के माध्यम से भी आप लिख सकते हैं, और बड़े आजकल मतलब ये हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, ऐसा लगता है इसमें जो नए नए उद्योगपति है और जो नए नए मतलब इसमें संगठन है, उद्योगपति है, वो लोग एक्टिव है और एक्टिव होकर के औद्योगिक क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। ये थे हमारे साथ एमएसएमई जिला उद्योग संघ दुर्ग के अध्यक्ष के झा जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हुई वो पत्र लिखने से लेकर के उद्योग एमएसएमई से जुड़े उद्योगों की परेशानियों संबंधित सभी परेशानियों से हमें अवगत कराया, साथ ही उसके निराकरण के लिए भी राज्य सरकार से एमएसएमई पूरी तरह से आश्वस्त है कि आने वाले दिनों में हो सकता है दीपावली के पूर्व इनकी जो एमएसएमई से वैट को लेकर जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सकता, साथ ही बीएसपी को लेकर के भी झा जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि बीएसपी के अधिकारियों से हालांकि लगातार संवाद जारी रहता है, किसी तरह की वर्तमान में फिलहाल उद्योगपतियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन चूंकि इस उद्योग संघ से मैं हजारों लाखों परिवार उद्योग संघ से जुड़े हैं जो विभिन्न छोटे बड़े संस्थानों में कार्यरत हैं, यदि उद्योगपतियों की मांगों को सरकार गंभीरतापूर्वक लेती है, बीएसपी गंभीरतापूर्वक लेता है, और तो इस संस्थानों से उद्योगपतियों को तो फ़ायदा होगा ही निश्चित, लेकिन साथ साथ इनसे जुड़े जिस परिवार से जिस उद्योग से लोगों का घर परिवार चलता है निश्चित रूप से उनमें भी प्रसन्नता का माहौल देखने को मिलेगा। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।